बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरित्र मानस सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवानखिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामम हैमशैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि। बोलिए श्री रामराजा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब यहाँ से चौपाइयाँ शुरू होती हैं कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी हो यही काज मोहे हरस विशेषी यह कहि नाय सबन कहु माथा चलेउ हरस हिय धर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघु वीर संभारी तर केउ पवन तनय बल भारी कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलेउ सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघु पति कर बाना एही भांति चलेउ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी। देखिए अब यहाँ पर जल निधि मतलब होता है समुद्र, और समुद्र ने देखा कि रघुपति जी का दूत आ रहा है तो जले निधि रघुपति दूत बिचारी ते मेनाक हो ही श्रम हारी। तो मेनाक पर्वत आता है और सोचता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट दे दूं, आराम दे दूं। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान ते ही परसा रुक कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो आगे चौपाइयाँ हैं। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। अब सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है तो सुरसा नाम अहिन के माता पठयने आई कही तेहि बाता। और क्या कहती है कि आज सुरन मुहे आजे सुरने मोहे तीने आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। जब सुरसा कहती है कि देवताओं ने आज मुझे आहार दिया है तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि राम काज करे फिर मैं आवो सीता कहे सुधी प्रभु ही सुनावो तब तौ बदन पैठी हऊँ आई सत्य कहऊँ मोए जान दे माई कवनेउ जतन दे नहीं जाना गिरससे न मोहे कहऊँ हनुमाना।
फिर वो नहीं मानती है और क्या करती है कि जो जन भरते ही बदन पसारा, एक योजन भर पूरा शरीर फैला लेती है। तो कपि तन कीन्ह है दुगुने बिस्तारा, हमारे हनुमान जी महाराज भी दुगना विस्तार कर लेते हैं, अपने शरीर का दुगना रूप धारण कर लेते हैं उससे। और सो रहे जो जन मुख ते ही ठायो, तुरत पवन सुत बतिस भयो, कि जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, शतयोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। देखिए हमारे हनुमान जी महाराज कितने बुद्धिमान हैं, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती जाती है उससे दुगना रूप धारण करते जाते हैं, और जैसे ही स्वयोजन का उसने आनन मतलब होता है मुख किया, तो हमारे हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप ले लिया और उसके मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। तो बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। और बदन में जाकर के बाहर आ जाते हैं और विदा मांगने लगते हैं। तो मोहे सुरन जेहि लागी पठावा, अब सुरसा नाम की राक्षसी वास्तविकता बताती है और कहती है कि मोहे सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बले मरम तोरे में पावा। और आशीर्वाद देती है कि राम काज सब करिहहु तुम बले बुद्धि निधान, आशीष देई गई सुहरस चलेउ हनुमान। यहाँ द्वितीय दोहा समाप्त होता है और आगे का दोहा हम अगली वीडियो में बताएंगे। सियाराम जय श्री सीताराम।